नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरा भारत टेस्ट सीरीज का जो NCERT और जो SCERT पर जो प्रश्न तैयार किया गया है, जो बिहार प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्त परीक्षा दिया गया है, नियुक्त परीक्षा के लिए यह तैयार किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये नियुक्त सेट जो है दिया गया है, जो इसमें प्रैक्टिस सेट है और विथ सोल्यूशन भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसमें जो 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो आज के हम सेट को जो शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा। यह जो एडुटेरा भारत टेस्ट सीरीज NCERT और SCERT पर आधारित दिया गया है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? तो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुषाणों ने जो है सबसे अधिक जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था? कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो यह जो प्रवर सेन के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रवर सेन ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि जो है महेंद्र वर्मन के द्वारा जो है मत विलास प्रहसन का लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो अब चलिए इसको मिलान करते हैं। तो आदिनाथ, तो आदिनाथ का जो होता है यह बैल हो जाएगा। क्या चीज? बैल। तो वृषभ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। और मलकानाथ, मलकानाथ को हो जाएगा कलश। क्या हो जाएगा? कलश। और जो पार्श्वनाथ को हो जाएगा सर्प। और शंभुनाथ का क्या हो जाएगा? तो शंभुनाथ का घोड़ा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन तो घोड़ा नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो राज की जो खर्च पर जो है हज यात्रा के लिए जो है खर्च करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जो है सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर दिया गया नेक्स्ट की 6 की किसी निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह चलाया था बाबर ने। बाबर ने जो है यह चांदी का सिक्का चलाया था जब पानीपत का विजय किया था, यानी कि 526 में युद्ध जीता था। तो उस समय जो था, यानी कि काबुल वासियों के लिए जो है उसकी जो है काबुल वासियों के लिए जो है उन्होंने जो यह सिक्का जो है उपहार स्वरूप दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर बाबर ने। हुमायूं तथा शेर खां का मत चौसा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं तथा शेर खां का मत चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 1539 में हुआ था। कब? 1539 में। तीन में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो किस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दीवानी प्रदान किया था किसको? तो शाह आलम द्वितीय को जो है यह प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्तम मिरारी, इसी को जो अस्थायी बंदोबस्त कहते थे, यह जो 1793 में लाया गया था किसके द्वारा? यह लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो याद रखिएगा, ब्लेजली जो है सहायक संधि लाया था, ब्लेजली जो है सहायक संधि लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथा कथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है आरसी मजमूदार के द्वारा कहा गया था, आरसी मजमूदार। और स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। लेकिन न स्वतंत्रता और न संग्राम आरसी मजमूदार ने कहा था। सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है, तो सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको देखते हैं मिलान करके। तो मोपला विद्रोह जो है यह केरल में किया गया था। मोपला कहाँ? केरल में। पावना विद्रोह जो है यह कहाँ किया गया था? तो बंगाल में। पावना बंगाल में। और एक्का आंदोलन जो है, तो एक्का आंदोलन कहाँ किया गया था? तो यह अवध में हो जाएगा। एक्का आंदोलन जो अवध में किया गया था। और जो बिरसा मुंडा आंदोलन जो कहाँ किया गया था? तो यह झारखंड में किया गया था। कहाँ पे? तो झारखंड में। तीन में से झारखंड नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका जो है
मिलान सही नहीं होगा, तो इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है जो वो देखा जाता है, तो बिरसा मुंडा जो है यह कहाँ हुआ था, यानी कि मुंडा विद्रोह, तो यह हुआ था आपका झारखंड में, तो याद रखिएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो मुख्य संचालक कौन थे, तो महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक तो थे M.G. रनाडे। ऐसे अगर पूछा जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा M.G. रनाडे हो जाएंगे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो बहिष्कार का सुझाव, तो ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो 13 का आपका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव दिया था, किसको बहिष्कार करो, लेकिन निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो विदेशी वस्तुओं को निष्ठुर बर्बादी कहा था, यह दोस्तों याद रखिएगा दोनों। गदर पार्टी ने निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे, तो गदर पार्टी से संबंधित नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं कि खुदी राम बोस जो थे गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, क्योंकि इनको जो है 1908 में ही मृत्युदंड दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, यानी कि मुजफ्फरपुर में जो है बम फेंक कर जो है मारा था, इसी के लिए जो है खुदी राम बोस को जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। क्रांतिकारी जिसने जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह कौन थे, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है विजय सिंह केसरी सिंह बारहट जो है, इनको जो है क्रांतिकारी जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिला था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1946 में बंगाल ने मुस्लिम पश्चात लीग में प्रांत में सरकार बनाई थी, तो यह बंगाल में बनाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो M.A. जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है यह कब रखा गया था, 1940 के अधिवेशन में, 1940 में रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगर जो है गांधी जी को जो है 11 सूत्री मांग कब रखा गया था, गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखा था, कितने 11 सूत्री, तो यह कब रखा था, 1931 में रखा गया था, यानी गांधी जी ने समझौता हुआ था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन लाया था, दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न छूट जा रहा है, हमारा प्रश्न है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है, तो साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम क्या है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि सत्याग्रह आश्रम का था साबरमती आश्रम का। निम्नलिखित में से किसने जो 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, तो यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया था चित्रंजन दास ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था, जो है 42 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने जो है द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे जो है उष्मा गतिकी का पहला नियम कहते हैं, तो उष्मा गति का पहला नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बीस का सही उत्तर हो जाएगा। फारेनहाइट पैमाने पर जो भाप बिंदु क्या होगा, तो भाप कितना डिग्री पर बनेगा, तो यह हो जाएगा आपका 212 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में वह कौन सा नियम जो यह बताता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान अणुओं की संख्या होती है, तो यह बताता है ऑप्शन नंबर ए, एवोगाड्रो का नियम में यह बताया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवोगाड्रो का नियम बताता है कि भौतिकी का वह नियम है जो तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में सभी गैसों का आयतन समान अणुओं की संख्या में होती है, तो एवोगाड्रो के नियम बतलाता है। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, तो पानी से भरी कांच की बोतल है, तो कांच की बोतल क्या होगा, जब बर्फ जमेगा, बर्फ भर के जब बोतल रख देंगे तो बर्फ जब जमेगा तो क्या होता है कि फैलता है, तो फैलेगा तो क्या होगा कि जो है शीशी क्या हो जाएगा, बोतल फूट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम क्या कहता है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोध। कैसे, तो देखिए भी बराबर सभी लोग जानते हैं कि आई आर होता है, भी से क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, तो ये आपका धारा हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, तो ये प्रतिरोध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध।
तो मान लीजिए कि आई बराबर निकालना है, तो आई बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो बटा में वी बटे आर हो जाएगा, यानी कि जो विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा बराबर हो जाएगा वी बटे प्रतिरोध, यानी वोल्टेज बटे प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केपलरी फील्ड फाउंडेटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो पेन का आविष्कार सभी लोग जानते हैं कि एल ई वाटरमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश का विचलन की घटना क्या कहलाता है, तो इस घटना को जो प्रकाश का जो है अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायरोलुसाइट एक अयस्क है, तो पायरोलुसाइट एक अयस्क किसका, तो 28 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज का। मैग्नीज का अयस्क जो पायरोलुसाइट अयस्क है। घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरल जो पेट्रोलियम होता है एलपीजी, उसमें क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि ब्यूटेन होता है और एक और प्रोपेन होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, तो याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है, तो ब्यूटेन प्रोपेन कोई ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ओजोन परत को नष्ट करता है तो क्लोरीन के जो है ये नष्ट करता है ओजोन परत को। सोमैटोट्रोपिन एक नाम है किसका, तो सोमैटोट्रोपिन जो है किसका नाम है, तो सही उत्तर देगा वृद्धि हार्मोन का। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन को जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है, तो लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार अग्नाशय द्वारा जो है लाइपेज एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर आप इससे पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो सर्च करके ज्वाइन करें, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करने का अवधारणा किसके द्वारा किया गया था, ये जो विक्टियर के द्वारा किया गया था। विक्टियर ने जो जीवों को जो 5 भागों में बांटा गया था, ये विक्टियर के द्वारा। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पेडोलॉजी विज्ञान होता है, तो पेडोलॉजी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी का अध्ययन जो पेडोलॉजी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधियों को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है, तो यह जो महत्वपूर्ण होता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, अनुमस्तिष्क यह संभव बनाता है। दंत एनेमल किससे बनाता है, तो दंत का जो एनेमल होता है ये कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर चार जगह कैल्शियम फास्फेट। निम्न में से कौन अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार का रक्त कोशिका नहीं है, तो अस्थिमज्जा द्वारा जो कौन सा रक्त कोशिका नहीं निर्मित होता है, तो लाल RBC होता है और WBC भी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है, जबकि जो है ऑस्टियोक्लास्ट जो नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर देगा। आँख के सामने के पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, तो आँख के जो सामने जो पारदर्शी भाग होता है उसी को चेंज किया जाता है, तो इसी को कॉर्निया कहते हैं। क्या होता है, एकदम पतला झिल्ली होता है जो आँख होता है, ये इस प्रकार का, तो इसमें क्या होता है पतला झिल्ली सटा हुआ होता है, ये जो आँख के आर पार हो जाता है, यानी कि पारदर्शी झिल्ली होता है, तो कॉर्निया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आँख दान में क्या होता है, कॉर्निया का दान किया जाता है, ना कि पूरे आँख का। क्या होता है कि पतला झिल्ली, जैसे कि चमकीले जब पन्नी देखेंगे, पन्नी जो पोलोथीन होता है उसमें जो है उजला पन्नी ले लीजिए, उजला पन्नी देखते हो कितना पतला रहता है, उससे भी पतला रहता है, यानी कि पन्नी में क्या होता है कि आर पार दिखाई देता है उजला पन्नी में, तो उसी प्रकार जो है ये कॉर्निया होता है, आर पार पतली झिल्ली होता है जो चमड़ी की होती है। कैसा होता है, तो चमड़ी की होती है। रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया जो स्कंदन कहते हैं, क्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो हवा से परागकण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, यानी कि एनेमोफिली जो है यह हवा से प्रसारण के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी थी, तो यह गढ़ा था राजकृष्ण के द्वारा जो है, ये अर्थशास्त्री थे जो हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी थी, हिंदू विकास दर। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल MSP सरकार की एक संस्था सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है, तय किया जाता है किस पे, तो कृषि लागत एवं मूल आयोग पर जो है यह MSP लागत जो है यह तय किया जाता है कृषि लागत एवं मूल आयोग पर। UNDPC को जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, तो इसमें मानव विकास विवरण में कितने
तत्वों को शामिल किया था? तो तीन तत्वों को शामिल किया था, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है शिक्षा स्वास्थ्य और एक जीवन स्तर हो जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? तो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा RBI, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, RBI भारतीय रिजर्व बैंक। जमा राशि वह राशि है जिससे बैंक को अपने पास नगद के रूप में रखना चाहिए, किस नाम से जाना जाता है? तो उससे जो है नगद निधि का अनुपात कहा जाता है, नगद निधि का अनुपात, ऑप्शन चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। निसी जो जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो निसी जनजाति जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, तो यह याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भौतिक में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका हो जाएगा विलियम, यानी कि रोएंटजन हो जाएंगे। 47 का आपका क्या हो जाएगा? सी विलियम रोएंटजन है। इन्हों जो है एक सर एक खोज के लिए 1901 में जो है नोबल पुरस्कार दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावणी और तमाशा जो दोनों जो है यह महाराष्ट्र का लोक संगीत है, तो ये याद रखिएगा। बाराबत्ती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में है? तो बाराबत्ती स्पोर्ट स्टेडियम जो है यह कहाँ है? तो सही उत्तर उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में जो है बाराबत्ती स्पोर्ट स्टेडियम है। मुंशी प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है निर्मला पुस्तक लिखा गया था, निर्मला पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, जबकि गोरा है, गीतांजलि है और चोखेर बालिन, ये सभी जो है तीनों टैगोर के द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल होगा 6 राज्यों में, जिसमें आपका एक बिहार भी शामिल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार को निरंतरता का उल्लेख किया गया है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता का उल्लेख, तो निरंतरता का उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया था? तो यह जो है मोरारजी देसाई ने जो है सबसे अधिक बार जो है भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था? तो यह सिफारिश किया गया था, तो आपका इसका सही उत्तर 56 हो जाएगा, बी मंडल आयोग में किया गया था, मंडल आयोग में। भारत में संविधान का कौन सा हिस्सा नागरिकों के कर्तव्य दिया गया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नागरिक है लेकिन यहाँ पर कर्तव्य दिया गया, कर्तव्य से संबंधित हैं, तो कर्तव्य कौन हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में दिया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा, यानी कि भाग 2 मार दीजिएगा, यहाँ पे कर्तव्यों को पूछा गया है। तो निम्न से कौन मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार में था लेकिन इसको हटा करके जो है इसको हटा दिया गया और दूसरी जगह रख दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक JVN ग्रह नहीं है? तो JVN ग्रह जो है तो आपका मंगल हो जाएगा। निम्नलिखित में से 59 के आपका क्या हो जाएगा? तो 59 के आपका हो जाएगा ये हो जाएगा JVN ग्रह नहीं है, तो मंगल ग्रह जो है JVN ग्रह नहीं है, जबकि यूरेनस बृहस्पति और शनि जो JVN ग्रह है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये रेखा ये पृथ्वी है, इसको पूछा जा रहा है, तो इसको जो है ये भूमध्य रेखा है, बीचे बीचे सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा, और ये जो लाइन खींचा जा रहा है तो ये कौन सी कहलाएगा? तो अक्षांश समानांतर रेखा, ये जो रेखा है अक्षांश समानांतर रेखा कहते हैं। बाब अल मंदेब जल संधि किन दो निकायों को जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो है बाब उल मंदेब की संधि जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हरमू जल संधि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुसी तथा भीम यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा की सहायक नदी जो है मुसी और भीम है। कृष्णा नदी जो है यह कहाँ से निकलता है?
तो कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलता है। कहाँ से? महाबलेश्वर से। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिल जाती है? तो सिंधु नदी जो है यह अरब सागर में मिलती है, जबकि ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी जो है यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सांगपो के नाम से। निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है तो पैंगोंग तसो झील। पैंगोंग तसो झील जो है यह कहाँ है? तो लद्दाख में है। जो खारे पानी की झील है कहाँ पे? लद्दाख में है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लोकटक झील है ये कहाँ? तो मणिपुर में है। नैनीताल झील तो यह छोड़ जाओ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाएगा करनाल नदी। करनाल नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 में किसने जारी किया? तो यह जारी किया है किसने? तो 67 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगाह दिया गया है कि सक्षम जो है लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है सक्षम जो है लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च किया गया है। भारत की पहली जो है पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। 47वां अंतर्राष्ट्रीय जो है संग्रहालय, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो यह 2023 में जो है 18 मई को मनाया गया। कब? 18 मई को। तो ये याद रखेगा 18 मई को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो बिहार के जो ऋतिक आनंद है इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ऋतिक आनंद कैसे? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर है कि बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किस जिले में है? तो सबसे कम जो है शिवहर जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। तेल्हारा झरना किस जिले में स्थित है? तो तेल्हारा झरना जो है यह कैमूर में स्थित है, यह बीपीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात हो जाएगा 918 और भारत में कितना है? तो 943 याद रखिएगा। यानी कि 1000 जो है पुरुष पर 943 महिला है भारत में, और जो है बिहार में कितना है? तो 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर कहाँ है? तो पैतृक मतलब पिता का घर कहाँ पे, उसी को जहाँ जन्म हुआ था, तो ये सिवान जिले के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर जो है सिवान जिले में है। आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? तो अपवित्र जो है उसमें अगर नहाइएगा तो कर्म का नाश हो जाएगा, इसलिए जो कर्मनाशा नाम दिया गया है। उसमें नहाने से कर्म का नाश हो जाता है, तो ये कर्मनाशा नदी जो है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है। आगे प्रश्न दिया गया है कि चंपारण में 1917 में जब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसमें गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी को आमंत्रण बुलाने का काम किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने कहे थे। राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण में बुलाए थे। और जो गांधी जी के चंपारण में जो है गांधी जी को जान किसने बचाया था? तो एक मुस्लिम थे बत्तक मियाँ। कौन? बत्तक मियाँ जो थे इन्होंने जो गांधी जी को जान बचाया था, क्योंकि उनको जो है दूध में जहर दे दिया गया था, जिसके कारण जो है वह दूध किसी कारण से जो बत्तख मियाँ जो थे उसको मृत्यु को असफल कर दिए थे। तो याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? जिसका गठन जो 1934 में किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब? तो 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। गंगा के सहायक नदियों में नदियाँ हैं जो नीचे वर्णित है, कौन जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं? तो गंगा नदी जो है प्रवाहित होने उत्तर से कौन है? तो सोन नदी जो है यह उत्तर की ओर से जा करके गंगा नदी मिलती है, उत्तर से बहती आती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ है? पटना में। दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रश्न समाप्त होता है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, वीडियो को लाइक और चैनल को वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इसे पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम सर्च कीजिए, आप वहाँ से इसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।